बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे आज मुझे ये प्रेस मीट लेना पड़ा और ये जो विषय है मैं सदन में इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ और गवर्नमेंट के नज़र में ये पूरी चीज़ मैं लाया हूँ, लेकिन शाम में वो सेशन होने की वजह से मुझे जो मौका मिला उसकी वजह से मैं दोबारा सेशन में ये इधर प्रेस मीट में ये बात करने की मैं इच्छा किया था और अभी प्रेस मीट किया। उसका मेन इशू ये है कि हमारे यहाँ हमारे कल्याण कर्नाटक का भाग में टीचर्स का जो रेशो है, स्टूडेंट टीचर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा का मतलब यहाँ पे मसलन यादगिर में 44 बच्चों को एक टीचर है, जबकि कोप्पल और गुलबर्गा जैसे शहर में 35 बच्चों को एक टीचर है और हासन में 10 बच्चों को एक टीचर है। तो ये जो रेशो जो डिफरेंस हो रहा है उसके वजह से हमारा लिटरेसी रेट, साक्षरता प्रमाण जो बोलते हैं, वो बहुत है ना कम है। उसके अलावा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो कम है और रिजल्ट में देखो हम हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसको अगर सही करना है, हम भी है ना, हम किसी से कम तो नहीं है, पढ़ाई लिखने में हम भी अच्छे हैं, लेकिन हमको जो टीचर्स प्रोवाइड करना है वो नहीं करते, उसके वजह से हम पीछे रह गए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को मैं इंसिस्ट किया हूँ, मैं उनको बताया हूँ कि करीबन है ना कम से कम 15,000 टीचर्स जो स्टेट एवरेज के जो हम हिसाब में लेते हैं तो वहाँ पे है ना एक्सेस है, वो एक्सेस में ही जो खाली है, जो पोस्ट खाली है वहाँ वो हमको ट्रांसफर करना है। ये बने है, वो टीचर का स्टाफ बढ़ाने के लिए यस स्टाफ बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ाना है। हमारे पास करीबन 15,000 से 20,000 टीचर्स की डिफिशेंसी है, इसको अगर हम फिलअप करें तो हम भी है ना एसएससी रिजल्ट्स में या लिटरेसी रेट में हम कोई कम नहीं। थैंक यू।